वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप सिंदूर से कर सकते हैं वशीकरण। जी हाँ, सिंदूर से आप कर सकते हैं पति का वशीकरण। पति का वशीकरण मंत्र लाल या नारंगी किसी भी रंग का आप सिंदूर ले सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, आज हम आपको बताने वाले हैं वशीकरण का मंत्र। ये उन लोगों के लिए है जो कि विवाहित हैं, जिनकी शादी हो चुकी है लेकिन उनके पति उनके कही हुई बात नहीं मानते, घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। तो आपको बता दें कि सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, इस पाउडर से भारत में जहां पति की लंबी आयु की कामना के लिए मांग सजाती हैं महिलाएं, वहीं इसका इस्तेमाल विभिन्न धार्मिक पूजाओं में, सौंदर्य प्रसाधनों में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बता दें कि इसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो इसका अटूट विश्वास है, वो बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे धर्म के साथ, हमारे विश्वास के साथ। इसीलिए अगर आप सिंदूर का उपयोग करते हैं तो आपके पति या आप जिस भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहें, आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंदूर का उपयोग सम्मान प्राप्त करने के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए, आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए, साथ ही साथ ग्रहों की शांति के लिए भी होता है। कुछ लोगों को ब्लड की प्रॉब्लम होती है, रक्त विकार होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बॉडी में जो ब्लड है वो शुद्ध फॉर्म में नहीं रहता है, तो तब भी आप सिंदूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि हमारा जो भारतीय जो हमारा धर्म है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ भ्रांति है या ये सिर्फ एक तरीका है अपने आप को करने का, काम करने का। लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों, हमारी जितनी भी प्रथाएं हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिकल चीज जुड़ी हुई है। सिंदूर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिंदूर में पारा होता है, जब महिलाएं इसे अपने माथे पर लगाती हैं, अपने सिंदूर के तौर पर जब इसका इस्तेमाल करती हैं, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से उन्हें जो खून से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को, जो भी विवाहित महिलाएं हैं, उन्हें इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। आपको बता दें, सिंदूर का उपयोग करने से क्या होता है कि पति पर वशीकरण करने के लिए आपको अभिमंत्रित सिंदूर लेना होगा। एक चुटकी लें और मंत्र को 7 बार मन ही मन में पढ़ लें और आपको पति के माथे पर इसे तिलक के रूप में लगाना है। ये कार्य दैनिक पूजा के दौरान किया जाना चाहिए। पति को इस बारे में पता ना चलने पाए कि आपने ऐसा कुछ किया है, टोटके का इस्तेमाल किया है। आप सिंपल इस किसी भी एक सिंदूर की डिब्बी को लें और भगवान जी के मंदिर में आप उसे रख दें और उसके बाद आप ये मंत्र जो है उसे आप पढ़ सकती हैं। मंत्र बेहद आसान है। मंत्र है, हथेली पर हनुमान बसे, बसे भैरो कपार, नरसिंह देव की मोहिनी, मोहे सकल संसार, नजर सबकी बांध दे, तुझे चढ़ाऊं तेल सिंदूर, तेल सिंदूर कहां से आया, कैलाश पर्वत से आया, कौन लाया, अंजनी का पूत, गौरी का गणेश लाया। इस मंत्र के उपयोग से अगर आप सिंदूर को अभिमंत्रित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो पति हैं वो आपके वश में हो जाएंगे और आपकी समस्याएं, अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि आपका झगड़ा होता है, आपके पारिवारिक कलेश होते हैं, कोई और महिला है जो आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रही है, समस्या उत्पन्न कर रही है, तो आप इस सिंदूर के जरिए ये सारी समस्याओं दूर कर सकते हैं उन्हें। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई और विचार है इस बारे में, आप कुछ और समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मैंने आपको जो आज उपाय बताया ये बेहद आसान है, लेकिन इसका एक ही कार्य आपको करना है कि इस सिंदूर का उपयोग, इस मंत्र का उपयोग आप अच्छी भावना से करें। अगर आप अच्छी भावना से इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसका तुरंत फल मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में बताएंगे आपको कुछ और जानकारी। अगर आपकी कोई और समस्या है तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कीजिए और हम आपकी समस्या को जरूर सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें बता सकते हैं। तो आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका धन्यवाद भक्तों।